हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एडवेंचर हट। तो एक्सेल 6 है गाड़ी और इस पर टेंट लग रहा है 3% टेंट सॉफ्ट शेल का। तो सर से मिलते और बताते हैं कि कैसे एडवेंचर हट के पास आ गए रूफ टॉप टेंट लगवाने। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जी। मेरी वाइफ का बहुत इंटरेस्ट है कैंपिंग के अंदर में। okay. और ये गाड़ी भी उन्हीं की है। okay. और ये रूफ टॉप टेंट भी उन्हीं के लिए लगवा के दिया जा रहा है। हम लोग बेसिकली एक छोटी सी फैमिली है। मैं, मेरी डॉटर और मेरी वाइफ, और हमारे पास एक कैट है। तो हम जब हम चारों जने इकट्ठे इस गाड़ी में कैंपिंग करने की सोचते थे तो नहीं कर पाते थे, मुश्किल हो जाता। अब तो जब हम लोग सभी मिलकर के कैंपिंग करने का सोचते थे तो हमारे अंदर वाली सेटअप में हमारा प्रोविजन पूरा नहीं हो पाता था। तो थैंक्स टू यूट्यूब, आपके YouTube से देख करके हमें आपका रेफरेंस मिला जी, जी। और हम लोग आपके पास पहुंच गए। और हमारे लिए तो बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे घर से ये बहुत पास है, तो इट इज हार्डली 7-8 किलोमीटर फ्रॉम माय हाउस। और क्या चाहिए, क्या आपको इतने घर के पास भी मिल गया, और कभी कोई नियर फ्यूचर अगर आफ्टर सेल सर्विस की कोई रिक्वायरमेंट भी रहेगी तो उस चीज से भी हम निश्चिंत हो जाएंगे। अब ये लग जाने के बाद में हमें ऐसे लगता है कि हम पूरी फैमिली इकट्ठे कैंपिंग कर पाएगी। तो हम तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम पूरा सह परिवार जा सके कहीं भी कैंपिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी तक जैसे आप डेमो के लिए आए और अभी इंस्टॉलेशन के लिए आए, तो अब तक अगर देखा जाए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के बारे में। डेफिनेटली आई विल रिकमेंड एवरीबॉडी। बहुत प्रोफेशनली काम होता है और काम के अंदर परफेक्शन भी बहुत है। जैसे जिस तरीके से हमने रूफ रेल्स के ऊपर में क्रॉस बार्स को इंस्टॉल किया, इसका आइडिया से लेकर के इसकी इंस्टॉलेशन तक सब आपकी टीम ने किया और मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। मतलब हर चीज़ को बड़े अच्छे से, बड़े प्रोफेशनली और प्रॉपरली इंजीनियर्ड करके किया गया, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि टेंट लगने के बाद में हम इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमने लोड सारा रूफ पे डाला और रूफ रेल से उसको सपोर्ट दिया। तो हाँ, सारा वेट, जो वेट रेशियो का हमने जो वर्कआउट किया है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और बहुत प्रोफेशनली हुआ है। आई एम 100% सेटिस्फाइड। आई विल रिकमेंड एवरीबॉडी टू एटलीस्ट कम विजिट। एंड देखिए, जो प्री इंस्टॉल्ड चीज़ें आती हैं कि उठाया, नट कस दिया, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ कस्टमाइज चीज़ों की बात आती है वहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए। वो एक्सपर्टीज आप लोगों के पास है और आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि जो भी आदमी आपके पास आएगा, कोई भी गाड़ी लेके आएगा, आप उसको बेस्ट सर्विस देने के लिए आप फुली इक्विप्ड है। राइट, तो वो एक्सपीरियंस से धीरे-धीरे आ जाता है। हाँ, मुझे ऐसे लगता है जी, जिस तरीके से आज मेरा काम किया गया है तो मुझे ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि मैं बड़े एक्सपीरियंस हैंड्स में था। सो क्योंकि ये चीजें इंस्टॉल करने के बाद में आप देखें, आप जब भी आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो इंडिया में ऐसी सड़कें भी मिलती हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रबलेंस होती है, और स्पेशली पहाड़ों के ऊपर। तो हमारी गाड़ी ऑफ रोडिंग वाली तो नहीं है, हम ऑफ रोडिंग पे तो नहीं ज़्यादा जाएंगे, लेकिन जहाँ रफ पैचेज आ जाते हैं वहाँ पे ये 50-60 किलो का ऊपर अगर टेंट सही तरीके से अगर नहीं रखा जाए तो इट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। और रास्ते में कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो वो आदमी बहुत परेशान होता है। इसीलिए हमेशा जब भी काम कराएं एक्सपर्ट हैंड से कराएं। मैं सभी को ये रिकमेंड करूंगा, अच्छी जगह पे आए, ऐसे को बिल्कुल मत देखें, एक बार ही अच्छा काम कराएं ताकि आपको अपनी जर्नी में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के जा सके। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे सारा दिमाग इनका है, लेकिन क्रॉस बार्स लगा दिए, एक बार दिखा दीजिए किस तरह से, जो सर को बहुत पसंद आया। मुझे बहुत पसंद आया जी, खास करके काम बहुत पसंद आया। तो टेंट 3% टेंट है, 5x7 feet। टेंट लग चुका है, फिक्स हो गया पूरा। तो आप सर को डेमो देते, थोड़ा सिखा देते हैं सर को ताकि प्रॉब्लम ना हो, और इसी जो होलसेल में करवा रहे हैं कि कैसे। भाई इस समय फर्स्ट फ्लोर के साथ साथ
में भागी है। तो सर टेंट में जा चुके हैं, से मुझे दिख रहे हैं। अंदर चलते हैं, बंदा फीडबैक करता है। बस डेमो ले चुके हैं सर, लेकिन क्या होता है अपने टेंट में जाकर अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उसका जो आनंद होगा वो डेफिनेटली अभी से ही उसकी फीलिंग आ रही है। वो तो देख लो, उससे वो देखो अच्छा है जी, बहुत कंफर्टेबल है। आई थिंक दो जने पे इसमें बहुत कंफर्टेबल, बहुत आराम और काफी स्टेबल भी है। ऐसा तो कुछ भी लग रहा है कि मैं तो बहुत शेकी है कि अच्छा मून रूम को ये भी दिखा दिए खाली तो क्या ही है। इसके लिए आपको ये पूरा हटाना पड़ेगा, एक पोर्शन। ओहो रैम देना, रैम तो वहां पे दिखाएंगे अलग से स्पेशल वीडियो में, कुछ बाकी के लिए भी होगा। ये मैं समझता हूं कि ये दो मूवी वाला कौन वाला हाई, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पे पहले अच्छा रुको रुको हो गया। और ये लगने के बाद लुक कुछ इस तरह है इसका। तो इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है, डेमो भी हो गया है, पूरा प्रोसेस सर को समझा दिया अच्छे से, आई होप अच्छे से समझाया है। हाँ जी हाँ जी। और मैं ऑलमोस्ट कर सकता हूँ, सभी लोग कर सकते हैं। नहीं बट ड्रीम्स पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती थी, डेफिनेटली हमारे टाइम में ये सारी चीजें नहीं थी। अब है तो, और भगवान ने इस लाइक बनाया तो हम उसको क्यों नहीं करें। और बहुत मजा आया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत एंटरटेनिंग था। और हाँ इतनी गर्मी में भी एक टाइम ओवर एक अलग अलग चार्म था अंदर घुस के उसको समझना और उसको वापस रीपैक करने के अंदर में बहुत एंजॉयमेंट हुआ। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस और होपफुली आपको और अच्छे क्लाइंट्स भर भर के मिले, आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश करे। थैंक यू वेरी मच, सो मच। और मैं होप करती हूँ आप अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करेंगे, डेफिनेटली स्पेशली मैम के लिए। हर हाल हर हाल, हमारा तो ये भी यही है लगाया, इसीलिए ट्रेवल करेंगे और वीडियोस बनाएंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और बहुत अच्छा लगा सर और मैम के साथ काम करके, वीडियो बना के स्पेशली। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी इस चीज़ को बकेट लिस्ट में रखे हुए हैं वो हम तक पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।